बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने आपके सामने हाजिर हैं नाजरीन। इससे पहले कि हम शो का बाकायदा आगाज करें, मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। गजनफर साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं खावर घुम्मन साहब। खावर साहब शुक्रिया ज्वाइन किया। शो का फॉर्मेट के हिसाब से खावर साहब पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास क्या आज नई ताजी है, क्या ऐसी खबर है जिससे हम शो का आगाज करेंगे। अनीका, मेरे पास आज जो सबसे अहम खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुनसफाना तकसीम है फेडरल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमेशा से पीएमएलएन का एक वतीरा रहा है कि जब भी ये आते हैं तो अपनी मर्जी के ऑफिसर्स लेके आते हैं और छोटे सूबों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्टोरी नेशनल असम्बली के अंदर एक सवाल आया, वहाँ पे ये पूछा गया कि हमें ये बताया जाए कि बलूचिस्तान से कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि ग्रेड 22 के अंदर पंजाब पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो हैरान कुन तौर पर यह बताया गया कि इस टाइम सिर्फ एक ऑफिसर हैं जिनके पास ग्रेड 22 है। मीर बख्श जमाली साहब हैं, वो वफाकी मोहत्सब में आजकल फेडरल सेक्रेटरी, उनकी अपॉइंटमेंट हुई हुई है, तो सिर्फ एक वाहिद ऑफिसर हैं। और बहुत हैरानगी की बात है, वो इसलिए हैरानगी की बात है कि आपका आइन जो है वो ये डिटरमिन करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो सीट्स है 50% पंजाब की हैं, 19% सिंध की हैं, 11% केपीके की हैं, 6% आपकी जो है ये बलूचिस्तान का कोटा डिटरमिन करता है। अगर उस हवाले से भी देखा जाए तो एक से ज़्यादा उनकी सीट बनती है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह की, जब से पीएमएलएन जब भी गवर्नमेंट में आती है तो इनका ये तरीक़ाकार यही होता है कि अपनी मर्जी के मनपसंद ऑफिसर्स को ये ले आते हैं ऊपर, और ये और वो होते भी सारे लाहौर बेस्ड हैं, पंजाब से लोगों को पिक करते हैं, तो छोटे सूबों को बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। तो ये एक बड़ी, एक आजकल फेडरल ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एक बड़ी वो एक अबतर सी सिचुएशन है, स्पेशली जो छोटे सूबों के ऑफिसर्स हैं वो बड़ा कमतर फील कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये खबर हम आज डिस्कस करेंगे और इस पर ब्रिगेड साहब का भी तबसरा लेंगे, क्योंकि फ़ौज में आपने देखा होगा कि ऑफिसर्स की सिलेक्शन होती है वो पूरे मुल्क के अंदर सर्व करते हैं, जहाँ पे उनके यूनिट्स हैं, ब्रिगेड्स हैं, जहाँ पे डिवीजन्स उनकी उनकी पोस्टेड होती है, तो वहाँ पे ऑफिसर्स चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तरीक़ाकार है कि सवाए अभी सिंध के, हमारे केपीके के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, वहाँ सारे वहाँ पे जो मेन ब्यूरोक्रेसी है वो पंजाब से वहाँ पे गई हुई है। तो ये हमेशा ये जो पीएमएलएन से ये हमेशा इन पे जो क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा आता है कि जब भी ये गवर्नमेंट में आते हैं ये फेडरेशन को कमज़ोर करते हैं, और उसकी वजह ये है कि ये जो एक तरीक़ाकार होना चाहिए कि पूरे मुल्क के जो ऑफिसर्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो जहाँ जहाँ पे उनके अपॉइंटमेंट्स हो, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट हो, और वहाँ पे जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वो लें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। और ये बड़ी हैरान कुन एक एक, एक स्टोरी है, इस पर ब्रिगेड साहब का तबसरा लेंगे और फर्दर ब्रिगेडियर साहब का तबसरा तो मैं ले लेती हूँ। आपने आपने ये स्टोरी सुना दी तो फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊँगी, क्योंकि आपका टॉपिक कम्प्लीट हो गया। ब्रिगेडियर साहब आप इस पर क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि ये पहली बात तो ये है कि सिर्फ पीएमएलएन की हुकूमत का कंसर्न नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर एक ड्रॉबैक है जब से पाकिस्तान बना है और उसके बाद इवन जब से मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, क्योंकि एक सिविल ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म है। और एक सिविल ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म में जिस तरह एक तो उसने कहा, खावर ने कहा कि जी हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होनी चाहिए, इसमें सिर्फ केपीके या बलूचिस्तान का सवाल नहीं है, इसके अंदर अभी कश्मीर जो है वो भी आ जाता है। इसमें सिर्फ जो रिफॉर्म्स का एजेंडा था वो परवेज मुशर्रफ के ज़माने में एक्सरसाइज की गई थी, और उसमें ये था कि कश्मीर से ये कंसर्न आया था कि क्योंकि आपको पता है एक चीज़ याद रखिएगा, तरीक़ाकार क्या है पाकिस्तान की जो है ना, यू हैव अ टॉप मोस्ट हायर ब्यूरोक्रेसी है आपके पास, आपकी मतलब है आपका ब्यूरोक्रेसी टॉप ब्यूरोक्रेसी पे जो ग्रेड 22 है उनके 100 ऑफिसर्स को अगर आप निकालें तो उनके ऊपर आपका हाफ ए बिलियन रुपीस खर्च होता है, और उसमें अगर एक दिन का खर्चा आप निकालें ना तो वो कोई 400,000 पर मंथ उनके ऊपर खर्चा एक ब्यूरोक्रेट पे आता है, तो अगर आप टैक्स पेयर में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो कोई 1 मिलियन पर मंथ बन जाता है। अब है क्या, जो ग्रेड 22 की पोस्टिंग्स हैं वो प्रोविंसेस में बड़ी कम है, यानी आपके 36 फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं, प्रोविंशियल प्रोविंसेस में आपके जो हैं चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो भी ग्रेड 21 का होता है, ये पुलिस चीफ है वो, और इसके अलावा आपके प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में ग्रेड 22 का ऑफिसर आप लगा देते हैं, उसके अलावा ग्रेड 21 के ऑफिसर्स होते हैं।
पाकिस्तान में इसी तरह करके इनकी रोटेशन होती है। जब ये ग्रेड 22 में पोस्ट हो जाते हैं तो चूंकि प्रोविंसेस में पोस्टिंग वो अवेलेबल नहीं होती तो उनको ला महाला फेडरल में शिफ्ट करना होता है। अब फेडरल में फेडरल सेक्रेटरीज के अलावा बहुत सारे और ऐसे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, जैसे आप ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर रेडियो ले लें, टेलीविजन ले लें, इसके साथ आप FIA ले लें, IB ले लें और पुलिस फाउंडेशन ले लें, मतलब बेताशा सिविल जिनके अंदर हेड जो हैं वो ग्रेड 22 के आने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, होता क्या है, जैसे खावन का है, होता ये है कि इन ऑफिसरों को विक्टिमाइज किया जाता है। अब आप स्टेट बैंक को देखें, स्टेट बैंक के अंदर एक डिप्टी गवर्नर हैं सईद साहब, उनका कोई तजर्बा नहीं है ब्यूरोक्रेसी का, उनका कोई तवज्जो नहीं है बैंकिंग का। वो जो है गालिबन नवाज शरीफ साहब के जो नर्सिंग होम्स थे उनको लुक आफ्टर करते थे, ओल्ड एज नर्सिंग होम्स है सही, उनको और उनका कोई इंश्योर, वो दुबई में रहे हैं, कोई इंश्योरेंस का वो काम करते रहे हैं, उनको उठा के आपने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया। अब आप मुझे बताइए ग्रेड 22 के ऑफिसर की पोस्टिंग है, वो तो इस किस्म के लोग ले गए, उसके अलावा उन्होंने पिछले दिनों एक सेक्रेटरी रखी, उसको रखा OG3 में, 2 लाख से ज़्यादा तनख्वाह थी, फिर उसको रख के 2 महीने बाद उसको छुट्टी पे भेज दिया 1 साल के लिए, वो कहीं दुबई शुबई में काम कर रही है। ये इसके अलावा एक और, एक सेकंड खबर साहब मुझे कंप्लीट कर लेते प्लीज, कि इसके अलावा जब आप देखते हैं ना, होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सूबों के अपने अगर हार्मोनाइज करना है ना, उसमें आपने रोटेशन क्रिएट करनी है। जो चीफ सेक्रेटरी है और जो फेडरल जो पुलिस चीफ है, उसने तो हर महला जाना है सेंटर की सिलेक्शन के ऊपर। अभी अगस्त में एक बोर्ड हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 30 बंदे पोस्ट किए हैं, एक जनवरी में बोर्ड हुआ था तो 40 ऑफिसर्स वर अवेटिंग पोस्टिंग, और हो ये रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन अकाउंट बाकी ग्रेड 21 के ऑफिसर को चार्ज दे दिया गया था, सेक्रेटरी ग्रेड 22 जो है वो बैठा हुआ था, इसी तरह ग्रेड 22 की जगह ग्रेड 21 काम कर। हमें अगर हार्मोनाइज करना है ना और आपने फेडरेशन को मजबूत करना है, तो जैसे बलूचिस्तान या सिंध या KPK से आपने लोगों को सेंटर में लेके आना है, इसी तरह आपने KPK बाकी जगहों से लोगों को भेजना है प्रोविंसेस में। और ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई थी, मैं फिर कहूँगा जन परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, कि पंजाब से लोगों को भेजा गया सिंध, पंजाब से ऑफिसर्स को भेजा गया बलूचिस्तान। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, जब पंजाब से या बाकी जगहों से बड़े जगहों से लोगों को छोटे सूबों में भेजा जाता है ना, वो वहाँ नौकरी नहीं करना चाहते, वो अप्लाई कर देते हैं। बलूचिस्तान को जाता है वो कहता है जी मैं जाना नहीं चाहता, एप्लीकेशन आ जाती। तो इसके ऊपर आपको जिस वक्त तक आप एक SOPs नहीं बनाएंगे और आपको इसको कवरेज नहीं देंगे अपने सर्विस रूल्स के अंडर, तो ये जो डायकॉटमी है ना, ये सूबों को भी ग्रीवेंसेज होते रहेंगे, कश्मीर में भी ग्रीवेंसेज। अगर आपने कश्मीर में लोगों को रखना है तो यू हैव टू ब्रिंग दोज ऑफिसर्स इनटू द मेन फोल्ड, और मेन स्ट्रीम इज पंजाब। अभी पंजाब के अंदर भी तो जी, अभी आपने जो अपनी बात की ब्रिगेड साहब ना, उसमें आपने असल इशू की तरफ वो हाईलाइट कर दिया, वो ये है प्रमोशन बोर्ड। प्रमोशन बोर्ड जब 21 से 22 में प्रमोशन होती है तो उसमें 4 जो मेन फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनके इनपुट लिया जाता है। उसमें आपके सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन है, आपके सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन है, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर और एडिशनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये 4 ऑफिसर वो होते हैं जो इनपुट देते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हमने किस ऑफिसर को 21 से 22 में लेके जाना है, और इस टाइम ये चारों के चारों पंजाब से हैं। अब ये चारों जब पंजाब से हैं तो वो किसी एक क्यों एक किसी ऐसे ऑफिसर को 21 में 22 में प्रमोट करेंगे, और यही हिसाब से 21 का जो लिस्ट है ना सिलेक्शन बोर्ड है, अच्छा वहां पे भी वही यही सूरत हाल है। CSS की जहां पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है वहां पे भी मेजॉरिटी के लोग नहीं पंजाब से बैठे हुए। खबर एक सेकंड, जो CSS का क्राइटेरिया है ना वो 100% डिफरेंट है, वो आप इसके साथ मिक्स ना करें। नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि वो डिफरेंट सर, नहीं वो मैंने CSS का जो है ना वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। CSS का जो है वो ओपन एंडेड एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसके अंदर तमाम सूबों से लोग आते हैं। लेकिन होता क्या है, ये सिर्फ ग्रेड 22 का प्रॉब्लम नहीं है, जब आप ग्रेड 17 से चलते हैं ना इंडक्शन के अंदर और उसके बाद मुख्तलिफ ग्रेड्स में जाते हैं तो आपको उस वक्त सूबों से इनपुट लेनी है। मैं जो आप सर्च कर रहा हूँ ना, आपको सर्विस रूल में ये कहना है कि पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर, जैसे सिंध के अंदर आपको ये कहना है कि 25% कोटा या 20% कोटा पंजाब, वो जो आप बात कर रहे हैं वो इनपुट लेने की बात करते हैं, इनपुट लेना चाहिए लेकिन इनपुट लिया कहाँ से जाता है? इनपुट लेना है वो तो पंजाब से है। खबर सर्विस रूल जो बनाने हैं ना उसके लिए एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, और मैं ये फिर कहूंगा कि जब परवेज राई की हुकूमत या परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, फिर मैं कहूंगा उस जमाने में बहुत सारे अफसर पंजाब से
बलोचिस्तान में भी गए थे, सिंध में भी गए थे, केपीके में भी गए थे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ जरा बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैं बस रूल बनाने जरूरी है तब ये बादशाहत का खात्मा होगा। अदरवाइज ये बादशाहत जरा उस टॉपिक की तरफ भी आ जाते हैं। वजीर आजम साहब ने जीडीपी के बारे में और मंसूबों के बारे में क्या कहा है वो भी बताइएगा जरा। अनिका ये एक कौन से स्टोरी की बात कर रहे हैं? दूसरी स्टोरी हम बात कर रहे हैं जो कैपिटल डेवलपमेंट के अंदर जो जीडीपी वाले की तरफ आ जाए, करप्शन की मैस्टिक। अच्छा, जीडीपी का इश्यू ये है कि कल एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मीटिंग हुई है, वहाँ पे ये बताया गया कि जी इस गवर्नमेंट जब से ये पीएमएलएन ने टेक ओवर किया है को 1000 बिलियन रुपए के मुताबिक की इन्वेस्टमेंट हुई है रोड्स और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में। उस पर ये बताया गया कि जी अगर ये सारे जब मंसूबा जात हैं ये कंप्लीट होंगे तो इससे मुल्क के अंदर 1 से 2% तक ग्रोथ रेट की डेवलपमेंट होगी पूरे मुल्क के अंदर। और उसमें सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया और उसमें ये भी बताया गया कि जी पहले जो हुकूमतें थी वो बिल्कुल इसमें डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी ये रोड्स और ब्रिजेस में, तो लिहाजा हम कर रहे हैं तो इससे जीडीपी में वो जो ग्रोथ रेट का बहुत ज़्यादा जो हाथरहा इजाफा होगा। कुछ लोगों से बात हुई इसमें जो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं कि क्या ये इस लेवल की इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं इसे क्या वाकई इस तरह की ग्रोथ रेट मुमकिन है या नहीं है, तो लोगों ने मिसालें दे के ये बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह कि अब ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं ये सारे तो एक लोन बेस्ड कर रहे हैं, और ये है कि जब आपके मुल्क के अंदर किसी के अंदर अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी होती है तो उसकी जो स्मॉल इंडस्ट्री को आपने चलाना है वहाँ पे ये लिंकेजेस बेहतर हैं, लेकिन लिंकेजेस उसी सूरत में बेहतर हैं कि जब आपके पास कुछ प्रोड्यूस होगी वहाँ पे उसकी मूवमेंट के लिए। जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि मुल्क की आपके 60 से 70% जो आपकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, आपका ज़राअत का जो सेक्टर है वो पिछले 5 साल से वहाँ से किस तरह की कोई इनपुट नहीं आ रही, वो माइनस में जा रहा है। तो लिहाजा ये आप ब्रिजेस ज़रूर बनाएं लेकिन जब उनसे आपके मुल्क के अंदर जो मेन आपका एक सेक्टर है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही तो आपका ये पुल और ये ब्रिजेस बनाने का क्या फ़ायदा। तो अब देखना ये कि ये गवर्नमेंट के जो क्लेम हैं वो किस हद तक ये कामयाब होते हैं। उसमें एक ये भी चीज़ रखिएगा कि अब 99 के अंदर पीएमएलएन की गवर्नमेंट गई थी, वो एक कू हुआ था, उस टाइम भी इकोनॉमी का बहुत बुरा हशर था, आपके फॉरेन रिजर्व्स, आपकी ओवरऑल जो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल जीरो लेवल पे जा चुकी है। भी बहुत शुक्रिया फरहान बुखारी साहब, आपने ज्वाइन किया। फरहान बुखारी साहब, सड़कें बनाना और सड़कों के ऊपर 1000 अरब रुपया और पुलों के ऊपर खर्च कर देना, उससे 1 से 2% जीडीपी के बढ़ने की जो बात कर रहे हैं वजीर आजम साहब, इसमें कितनी जान है? देखिए ये बातें ही बातें हैं, अभी तक तो कोई इंडिपेंडेंट माशी रिसर्च ऐसी नहीं है जो कि वजीर आजम के क्लेम को सपोर्ट करें। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे ज़रई मईशत तबतरी का तबाही का शिकार है और जहाँ पे आदाद शुमार ये बताते हैं कि 50 से 60% आबादी बिल वास्ता या बिला वास्ता ज़रई इनकम पे डिपेंड करती है, वहाँ पे हुकूमत 1000 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दे और ज़राअत के हवाले से जो पिछले 2 साल में बर्बादी हुई है पाकिस्तान, और उसकी बड़ी वजह ये है कि ज़रई अजनास की कीमतें, मेन ज़रई अजनास की कीमतें बुरी तरह से गिरी हैं। केस बहुत स्ट्रॉन्ग था कि ज़रई अजनास की कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं सपोर्ट प्राइसेस खासतौर पर गंदम की बढ़ाई जाती, उस पर जनाब हुकूमत ने ये कह दिया कि जी बैनुल अक्वामी सतह पर जो कीमतें हैं वो पाकिस्तान की दी हुई पाकिस्तान की हुकूमत की दी हुई कीमत से कम है और इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हर चीज़ का यानी जवाब ये नहीं बनता कि बैनुल अक्वामी सतह पर ही क्या हो रहा है, कई हुकूमतें अपने कई अहम सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं, उसके अलावा सिर्फ गंदम के अलावा दूसरी भी अजनास में आप देख लें, इस साल जो मूंजी की फसल हुई है चावल की उसकी कीमत पिछले साल से तो बेहतर रही है लेकिन अब भी ये तकरीबन आधी रही है उस कीमत से जो कि आज से 3-4 साल पहले, और कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, एक के बाद दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता है। ज़राअत की तबाही कितनी बड़ी है कि लाहौर से आप निकल के 20 मील दूर चले जाएँ तो आपको लोग बगैर आंसुओं के रोते हुए मिलेंगे, आप दही इलाकों में चले जाएँ तो हर तरफ लोगों का रोना यही है कि उनकी आमदन बहुत बड़ी हद तक कम हुई है और उनका नुकसान। बुखारी साहब ये बताइएगा कि
मुल्क खबर साहब मुजफ्फर साहब ये बताइएगा कि जब हम बात कर और अच्छा बुखारी साहब ये बताइएगा कि मुल्क जी जी प्लीज साहब ये बताइएगा एक चीज आगे जाने से पहले अगर काइंडली क्लियर कर दे। ये कहते हैं कि जी इतना पैसा डेवलपमेंट पे जरा ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है इन्होंने को 580 बिलियन कमिट किया था डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बजट के अंदर, उसके अंदर कुछ एक्सेस आया लेकिन उसके अंदर 89 बिलियन का कट लगा उस डेवलपमेंट में, तो 490 बिलियन जो है तकरीबन जो वो कहते हैं कि इसमें एंटीसिपेट था खर्च होने के लिए। अब अगर इसको वैसे बैठ के देखें तो ये तो आपको 2014 और 2015 का ही बजट जो था उसी के मुताबिक ये खर्चा हुआ और जो आता है कोई 5% ऑफ GDP, तो ये किस तरह कहते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो बुनियादी मेरा ख्याल में तो बुनियादी तौर पर यही गलत है, बजट को के फिगर को जो है वो आप फज करके बताना चाहते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च हुआ। बेटे साहब ये तो अलमिया का एक पहलू है, जब भी IMF की तलवार गिरती है तो सबसे पहले बजट के खसारे को कम करने के लिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में ये रहा है कि जो डेवलपमेंट बजट है जो तरक्याती बजट है उस पे ही कटौती होती है, नंबर एक। लेकिन नंबर दो ये कि एक और भी सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर डेवलपमेंट है क्या, क्या इसमें आपकी प्रायोरिटी ये है कि किसान के घर तक आपको पानी और दूसरी इनपुट्स लेके जानी है और ज़रूर लेके जानी है, जो कि मुल्क में बातें तो बहुत होती हैं लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ है, क्या वो डेवलपमेंट है, या शहरों में वोट्स हासिल करने के लिए मेट्रो बसेस के प्रोजेक्ट्स या ट्रेन के प्रोजेक्ट्स या इस किस्म के दूसरे काम या सड़कें, वो डेवलपमेंट है। अब यहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाना यानी सड़कें बनाना ये गैर अहम है, लेकिन आपको चॉइसेस करनी है। अगर आपका किसान भूखा है और वो आज भूखा है तो अगर आज आप उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या वो भूख से मर जाएगा, उसके बच्चे बिलकते रहेंगे, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, वहाँ पे जो जहालत। अच्छा बुखारी साहब इस पे मैं एक सवाल आपके ये जो बुखारी साहब यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, पिछले दिनों आपने एक ऑपेड पीस लिखा था जिसमें आपने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर 60% जो लोग हैं अब उनको गजाई किल्लत पैदा जो पेश होने जा रही है फ्यूचर के अंदर, तो ये जब एक तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं जिससे ग्रोथ रेट जो में इजाफा होगा, तो दूसरा आप ये बता रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर गजाई किल्लत पैदा होने जा रही है, और पहले भी हमने एक्सप्लेन की थी कि हमारे जो स्टंटेड चाइल्ड हैं वो वहाँ पे बच्चों को खुराक नहीं पूरी हो रही, तो ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट हम बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी साइड पर हमें खाने को खुराक नहीं मिल रही। जी 9.8 मिलियन है आपके स्टैंडर्ड चिल्ड्रन और 60% और लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इसमें डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या आएगा? सावर भाई पिछले 26 साल से मैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में लिख रहा हूँ और 26 बजट्स मैंने रिपोर्ट किए हैं, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। इसलिए नहीं समझ आ रही क्योंकि अच्छी माशी पॉलिसी से कई चीजें ऐसी हो रही हैं जिनका तजाद है। यहाँ पे जमा तफरीक का काम हो रहा है, यहाँ पे एक अकाउंटेंसी एक्सरसाइज हो रही है, जनाब मईशत इतनी बढ़ गई, शरा नमू इतनी बढ़ गई, प्लान इतना हो गया, हम इतने हजार या इतने 100 बिलियन रुपए लगाएंगे, लेकिन उसका माशी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है। अब आप स्टंटेड चिल्ड्रन की बात करें या और मसाइल की बात करें, मसला बुनियादी तौर पर ये है कि सोच माशी नहीं है। आजकल सुनते हैं कि पंजाब में एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जा रही है जिसमें बड़े इंकलाबी इकदाम होंगे, 2017 इलेक्शन कैंपेन का साल होगा तो मेरे ख्याल में वोट हासिल करने के लिए ये एक और कोशिश है। ठीक है, एक्सटेंशन सर्विसेज आपकी तबाह बर्बाद हो गई हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कितने भी इंकलाबी काम पेपर पे कर लें। सही फरहान बुखारी साहब, वक्त थोड़ा कम है, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। खावर साहब अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे और अगला टॉपिक बताइएगा आपके पास क्या एक्सक्लूसिव है। अनिका ये पहली एक्सक्लूसिव से भी थोड़ी सी बेहतर एक्सक्लूसिव कह रहे थे कि अच्छी एक्सक्लूसिव इस लिहाज से है कि 2012 के अंदर एक जुडिशियल कमीशन बना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर, उसका काम ये था कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये डिटर्मिन किया जाए कि वहाँ पर किस नोयत के करप्शन केसेज हुए हैं और वो सारी जो इंक्वायरी कमिटीज़ बनाई जाएं और उसकी रिकमेंडेशन या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भिजवाई जाएं और उन पर सारा अमल हो। टोटल डिटर्मिन ये हुआ कि 39 इंक्वायरी कमिटीज़ होंगी और 39 इन्वेस्टिगेशन हुई
वो उसमें से 27 की जो रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, 12 जो रिपोर्ट्स हैं अभी वो पेंडिंग है, और वो सारी की सारी रिपोर्ट जो हैं वो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर पड़ी हुई हैं। और लेटेस्ट ये उसका हालात ये हैं कि वो रिपोर्ट्स तो वहाँ पर पड़ी हैं, उसके साथ साथ CDA के अंदर और ज़्यादा जो हैं वो केसेज आ गए। अभी कल ही की रिपोर्ट आई है कि CDA के अंदर कुछ 18 के करीब केसेज FII के पास चले गए हैं, और इतनी मिकदार में कोई नेशनल अकाउंटेबल ब्यूरो है उसके पास ये सारे केसेज चले गए हैं। अब मामला सिर्फ यहाँ पे नहीं, नेशनल अकाउंटेबल ब्यूरो के पास चले गए, मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता। अब मामला ये है कि अब यहाँ पे CDA के अंदर एक PMLN के साहब जिनको मेयर लगा दिए गए वो आ गए हैं। अब वो सारे के सारे जो केसेज थे, वो सारे के सारी रिपोर्ट थी, अब वो पहले तो कुछ उम्मीद थी कि शायद उस पर कोई काम हो जाए, वो बिल्कुल अब उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया, उस पर किसी तरह का कोई एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। और ये याद रखें कि CDA के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये सबसे छोटा शहर है जिसका बजट बाकी सारे शहरों से सबसे ज़्यादा है वॉल्यूम के हिसाब से। तो अब ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछा जाना चाहिए, और मेरे ख्याल में अपोजिशन को नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर ये सवाल उठाना चाहिए कि एक जुडिशियल कमीशन बना था, उसकी इतनी ज़्यादा इंक्वायरी कमेटीज़ बनी, ये रिकमेंडेशंस आ गई, रिपोर्ट्स आ गई, तो उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे? अमल इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप उन्हें वोट्स लेने, आपको पता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गई है CDA के अंदर, तो आप वो सारे मामला, वही पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जो हमेशा बात करते हैं हर शहर के अंदर, जिस तरह कराची के अंदर आपने देखा MQM आ गई, तो अब वो बहुत सारे केसेस जो MQM के अगेंस्ट थे वो साइडलाइन हो गए, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का एक मिलता जुलता केस सामने आ रहा है। जी चलिए ठीक है, गजनफर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद फिर आपका ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो शो को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले खावर साहब ने पूरा टॉपिक बताया, गजनफर साहब इस पर आप क्या कहेंगे, वो 40 इंक्वायरियों की बात जो खावर साहब कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने मेगा करप्शन केसेस पॉइंट आउट किए, 100 के करीब मेगा करप्शन केसेस हैं, उसके अंदर भी तो CDA के केसेस हैं, और CDA के केसेस को अभी से नहीं है, जब पिछली गवर्नमेंट थी और आपने वहाँ जो एक CDA का चेयरमैन लगाया था, कोई एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर था जिसको चेयरमैन लगाया था, उसके ज़माने में जो चीज़ें जो घपले हुए उनकी करप्शन के केसेस क्या हैं, वो इंक्वायरियाँ कहाँ हैं, और इसके अलावा आप बेताशा और डिपार्टमेंट्स उठा के देख लें जिनके अंदर इसी किस्म के केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं, और वो सरफेस पे भी आए हैं, और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने NAB को भेजी भी हैं, तो ये तो अब एक प्रेसिडेंट बनता जा रहा है ना। अब CDA वाकई बहुत रिच तारा है, और CDA में जो न सिर्फ ये कि जिस तरह आप एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रही थी ना, तो CDA का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देखेंगे तो वो भी एक मतलब है बड़ी ही आपको वो जो है वो उसमें हैरानगी होगी कि उसका कितना खर्च होता है और कितना डिवाइड होता है, उसके बाद जो प्लॉट्स का वहाँ पे जो है मतलब है जो रिक्वायरमेंट है, और जिस तरह तमाम के तमाम सेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं वहाँ, जिस तरह लोगों ने पहले से ज़मीनें खरीद के रखी हुई हैं वहाँ, जो प्राइजेज ऊपर जाती हैं, किस तरह उनको रजिस्टर किया जाता है, कमर्शियल कन्वर्शन किस तरह है, तो ये जो CDA जो तमाम चीज़ें हैं ये तो वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ सिर्फ उनके हवाले से नहीं उठता, बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या वो तमाम लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व थे क्या वो जो केसेस थे सारे के सारे हल कर दिए गए? मैंने बताया ना कि जब 100 मेगा करप्शन केसेस की फाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि जी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर या NAB ने इसके ऊपर क्या किया है, और अभी तक वो पूछने के बाद तो NAB के वो रुक गई है वहाँ जहाँ पे थी। इसके अलावा आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें थी जिनको जो प्ली बार्गेन के लिए तय की गई, यानी लोगों ने पैसा तो खा लिया, खाए उन्होंने 1000 रुपये, उनमें से 200 रुपये लिया, 100 रुपये जो वो जो जिन लोगों ने केस किया तो उनमें तकसीम हो गए, 100 रुपया गवर्नमेंट की, 50 रुपया गवर्नमेंट की, 50 रुपये ऐसे फंड रख लिया गया। तो बात यह कि जो पूरा सिस्टम है ना, जब आपका सिस्टम जो है वो डिसिपेट हो जाएगा, और वो सिस्टम डिसिपेट हुआ है अभी से नहीं हुआ हुआ, उसको आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इवन जब आपने NAB क्रिएट की थी ना, तो मुझे इतना याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो NAB का अदारा बनाया गया था उसमें जो उनके पहले DG थे, उनके पहले जो NAB चेयरमैन थे वो बहुत सख्त आदमी थे, जन अमजद थे,
और उन्होंने इतना चीज़ों को टाइट किया कि लोग, बहुत सारे लोग जो परवेज मुशर्रफ से बड़े क्लोज भी थे, इसके अलावा जो बिजनेस मैन आए वो चले गए उनके पास कि जी इस तरह अगर केसेस चलाए गए ना तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आना रुक जाएगी, आपका बिजनेस रुक जाएगा। फिर उस ज़माने में एक ये ट्रेडर्स को रजिस्टर करने के लिए आर्मी के ज़रिए डोर टू डोर, शॉप टू शॉप मुहिम चलाई गई कि जी रजिस्टर करें ताकि वो टैक्स दें, तो तमाम ट्रेडर्स ने हड़ताल कर दी कि जी हम अगर टैक्स गए, यानी एक पान वाला जो कुछ कमा रहा है ये लिबर्टी के पान वाले के पास जाएं, क्या वो टैक्स दे रहा है? जब उसको रजिस्टर करने की कोशिश की गई तो तमाम के, क्योंकि एक तो टैक्स देने का कल्चर नहीं है, गवर्नमेंट कोई काम करती है तो उस पर ऑपोजिशन आ जाती है। इसी तरह मैंने आपसे किया कि जिसमें ये काम करने की कोशिश की नैब ने और जल अमजद ने करने की कोशिश की तो तमाम लोग चले गए और वहां से ही इन तमाम करप्शन जी। ब्रिगेड साहब, नैब वो शुरू दिन से आपने देखा कि जब इन्होंने जलम शरफ साहब ने ये डिसाइड किया कि जी मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके साथ चलना है और अपने इकतदार को दवाम बख्शना है, फिर वो आपको पता है कि पीएमएलक्यू क्रिएट होगी तो बहुत सारे लोग जिन पे केसेस दे वो उनको केसेस को फिर साइडलाइन कर दिए, अगर उनको फिर वो मैं आपसे ये कह रहा हूं ना खबर, क्योंकि मुझे तो पता है कि किस किस केसेस को साइडलाइन किया गया, अदारों को कंप्रोमाइज कर दिया जाता है, जो उनका काम है उसे किया लिया नहीं जाता एग्जैक्ट जो असल काम है। बुनियाद मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे अदारे काम ही नहीं कर रहे, केस जाता है दब जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है कोई, और उसके अंदर फिर बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जहां पे लोगों के चाहने वाले होते हैं, यानी सीनियर का चेयरमैन किसको लगाया जाता है? अच्छा। जो आपका क्या कहते हैं, एक बड़ी पुरानी रिवायत है, लेकिन चाइनीज ने हमारे एक मंसूबे के बारे में या एटलीस्ट जो मंसूबे का एक आइडिया दिया था उसके बारे में हंसी उड़ाई, कौन सा है खावर साहब ऐसा मंसूबा जिस पे चाइनीज ने मजाक उड़ाया? ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्राइम मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर एक बुलेट ट्रेन लेके आए चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे, उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फीसद वो मील पर जो है वो चलाने वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इक्तफा करें और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, ताकि अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है, एक वो है और दूसरा ये है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है ओवरऑल उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक हाई चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असेंबली को ये बताई कि जी केपीके के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। केपीके के वहाँ पे गो के पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में वो हमें वापस मिल गई है और सूबाई गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया उसमें, कहते हैं वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है सीपैक के अंडर वो ये कह रहे हैं कि वो कोई इतनी ज़्यादा रोजी पिक्चर नहीं है कि जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही, वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें, वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम अज़ कम मुस्तकबल करीब में तो बिल्कुल पूरा हुआ होता नज़र नहीं आ रहा, अब देखेंगे शायद आने वाले की गवर्नमेंट्स आए वो इसको पूरा करें। ठीक है, गजनफर साहब आपकी क्या? यहाँ पे रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उससे जब सवाल किया गया ना, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में अभी तो कोई एक दो शायद ट्रेन चल जाती हैं, 2-3 ट्रेनें चलती हैं, टाइम पे चली जाती हैं, उसके ज़माने में ट्रेनें थी नहीं, मतलब वह लिटरली बंद हो गई थी, और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। तो जब आपके अप्रोच ये होगी, आप इंटेलेक्चुअल लेवल देखें लोगों का जिन्होंने इनको तबाह किया, उसके घर पे कोई 25 गाड़ियां चलती थी अपनी जो उसने पूल रखा हुआ था और जिस तरह वहाँ पे लूट मार हुई है इस रेलवे में। तो दूसरी बात ये है कि एक बड़ी आम सी बात है, एक आम एवरेज आदमी को पता होना चाहिए कि आपकी जो पटरी सिंगल लाइन पटरी है, सिंगल लाइन जो रेलवे लाइन है यहाँ से लेके मेरा ख्याल डबल वो खानेवाल तक ही जाती है, उससे आगे आपकी सिंगल जा रही है, और उस तमाम रेलवे लाइन की एक तो क्लासिफिकेशन देखें, फिर जो ब्रिजेस दरमियान में आते हैं
उन ब्रिजेस की क्लासिफिकेशन देखें कि वो लोड कितना ले सकते हैं, वो वाकई जो स्पीड आपकी चल रही है उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकते। अगर आपको याद होगा तो पिछले दिनों गुजरांवाला के पास और उससे पहले चले जाएं तो एक बिटवीन पिंडी एंड गुजरखान एक दो ट्रेनें उल्टी थी। क्यों उल्टी थी? इसलिए कि वो जिस स्पीड को बढ़ रहे थे उसके ऊपर जब उन्होंने ब्रेक लगाई तो आपकी जो पटरी थी उसको सस्टेन नहीं कर सकी। तो सबसे पहले तो आपको अपने बुलेट ट्रेन चलानी है तो ट्रेन चलाने से पहले तो आपने इस रेलवे लाइन को अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर इसको दो रवैया करना पड़ेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप सी पैक की आप बात कर रहे हैं, सी पैक के ऊपर आप एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं और अगर कोल एनर्जी आप लगाते हैं तो वो कोल चाइनीज कहते हैं कि हम आपका कोल इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना कोल लेके आएंगे। वो अगर आपके वहाँ पे आएगा कराची में, वहाँ से वो ट्रेनों पर चलेगा, तो आप मुझे बताइए आज की तारीख में क्या आपकी वो गुड्स ट्रेन है वो उसका लोड ले सकती है? तो पहले तो आपने इसको डेवलप करना है सी पैक के लिए भी। हमारे यहाँ वाकई ये सही बात है कि रोजी पिक्चर नहीं जा रही। आप एक बात याद रखिएगा, ये सी पैक पे जितना इन्वेस्टमेंट होगा अगर इसकी प्रोडक्टिविटी उसमें इतनी हुई, अगर तो सिर्फ आपने ट्रांजिट रूट के लिए इस्तेमाल किया तो शायद आप इसमें वो पैसा ना वापस कर सकें। इसके लिए जरूरत होगी आपको सी पैक की प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल जोन की जरूरत होगी। हम आइसोलेशन में काम करके अगर सिर्फ राहदारी लेनी है, ट्रकों को चलाना है, शिप्स का किराया लेना है, उससे आपका सी पैक का गेम चेंजर नहीं होगा। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पेट्रोलियम की मसनूआत। इसहाक डार साहब ने बड़ी प्राउडली कहा कि 7 माह तक कम थी, 7 माह बाद बढ़ाई गई है। 2 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 2.70 डीजल की कीमत बढ़ गई है और अब एक बार फिर बोझ पड़ने जा रहा है पाकिस्तानी अवाम पर। खावर साहब, इस्लामाबाद में क्या तासुरात इस बारे? इस्लामाबाद में इसका वो याद होगा कि पिछले जब इंटरनेशनली प्राइसेस गिर रही थी तो जब भी प्राइसेस कम करना अनाउंस करना होती तो प्राइम मिनिस्टर साहब स्पेशल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज करते थे लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहां भी मौजूद होते वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और लोगों को ये खुशखबरी सुनाते थे प्राइम मिनिस्टर बकलम खुद। मैंने खुद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की गई है कि देखें आज हम प्राइसेज ये ऑयल की प्राइसेज आज हमने इतनी कम कर दी और ये देखें हम आवाम के कितने हमदर्द हैं। अब कल एक इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन जो ओपेक है, जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो उनका डिसीजन ये हुआ है कि उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन पे कट लगाया, जो अब जो पर बैरल प्राइस है वो $50 पर चली गई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। अब पाकिस्तान अगर वो उस इम्पैक्ट नहीं लेता तो गवर्नमेंट को एक 4 बिलियन को महाना सब्सिडी देनी पड़ेगी लोगों को। अब ये था कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब को स्क्रीन पे आना चाहिए था और लोगों को ये बताना चाहिए था कि ये देखें इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस बढ़ी हैं लेकिन मैं आपका हमदर्द हूँ, ये गवर्नमेंट आपकी हमदर्द है और हम अपने अखराजात पे कट लगा के हम ये आप लोगों को ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं। और इस बैकग्राउंड में कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बैठ रही है, हमारा किसान ऑलरेडी घाटे में जा रहा है, उसके पास तो ऑलरेडी फसल लगाने के पैसे नहीं है, अब वो जो हाई स्पीड डीजल की आपने प्राइस बढ़ा दी तो वो कैसे अपनी फसल को पानी देगा, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, तो आपने ये भी ऊपर से हो गया। और ये एक बहुत आसान तरीका है गवर्नमेंट के लिए टैक्स इकट्ठा करने के लिए। हमने पहले भी स्टोरीज की थी कि आपके जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स हैं वो आप मीट नहीं कर पा रहे। अब ये होता है कि ये ठीक है जी आराम से पैसे बढ़ा लें, अब आप गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं, मैं कर रहा हूँ, ब्रिगेड साहब कर रहे हैं, पेट्रोल तो आपने डलवाना है, तो आराम गवर्नमेंट की किटी में वो पैसे आराम से चलते रहेंगे। तो ये काइंड ऑफ ये कह दें कि लोगों के ऊपर बोझ डालना, और जो पहले था कम से कम लोगों को ये बता दें कि हमने पहले आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं की थी, हमें इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस में मिला और हमने आपको कम प्राइस में बेच दिया। मज़ा तो तब था ना कि अब आप कहते हैं कि हाँ इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं और हम इसका इम्पैक्ट आप पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, 7 महीने भी नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे और हम आपके साथ हैं और हम अपने ये कट्स लगा रहे हैं, उसकी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स है उनमें कट लगा रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद स्क्रीन पर आना चाहिए था, अगर बढ़ानी भी चाहिए थी तो पहली जो पहले इन्होंने मिसालें सेट की है अभी भी आके बताना चाहिए था लोगों को, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि ये मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से। अब इसहाक डार साहब को कहा गया जी आप जाके बता दें, तो ये सारा बैकग्राउंड है, इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा ऑयल प्राइसेस का, आपको पता है क्रॉस द बोर्ड निचले तबके तक इसका इम्पैक्ट आता है। जी ठीक है। अच्छा गजनफर साहब, यही हुकूमत है जिसके दौर की किल्लत भी हुई थी अगर आपको याद हो। वो पेट्रोल की किल्लत तो 2 वजह से अभी भी पेट्रोल की किल्लत का एंटिसिपेट किया जा रहा था, क्योंकि अपने रॉन पे कन्वर्ट किया है पेट्रोल को, तो वो कहते हैं कि रॉन के जो जखायर हैं वो आपके पास इतने मौजूद नहीं हैं। और पिछली दफ़ा भी जब आपकी कमी हुई थी वो बुनियादी तौर पर शिपमेंट और ऑर्डर्स की वजह से हुई थी,
और दूसरी बात यह है, आप याद रखिएगा, जब आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा और आप ऑयल कंपनियों को पैसा पे नहीं करेंगे तो वो ऑयल कंपनियां क्या वो लेके आएंगी, तेल लेके आएंगी? जब आप उनकी सर्कुलर डेट में उनकी कमी को मीट ही नहीं कर रहे और पैसा उनके पास आउटस्टैंडिंग आपका गवर्नमेंट के पास पैसा, तो वो कहाँ से चीज करेंगी? अब जहां तक इंटरनेशनल मार्केट में तो मेरे ख्याल प्राइजेस कम हुई है पेट्रोल की, अभी कल ही पट्टी चल रही थी कम हुई है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि क्या जो आप $50 बैरल के ऊपर जो तेल ले रहे हैं, क्या आप उसको $50 के बाद 51 के हिसाब से या 52 के हिसाब से पाकिस्तान में बेच रहे हैं? आपके तो ऑलरेडी इतने ज्यादा टैक्सेस हैं उस पेट्रोल के ऊपर जो आपको कास्ट कर रहा है, उस पर आपने कोई 25% या 30% तो टैक्सेस लगाए हुए हैं। तो गवर्नमेंट टैक्सेस की मद में तो कम नहीं कर रही ना, प्राइस का पीछे से फर्क आपको इसलिए नहीं पड़ रहा कि आपके पास एक एंटीसिपेशन में पैसा वो आ रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी आपने कैटर फॉर किए हुए हैं टैक्सेस, तो उसके ऊपर जो प्राइस का जो $2 या $1 का बढ़ना जो है वो बड़ा मीनिंगफुल इफेक्ट नहीं देता। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, होता यह जब आपके FBR की टैक्स रिवीजन की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जो उन्होंने कलेक्शन करनी थी और वो नहीं कलेक्ट कर सके तो रिवीजन टारगेट उन्होंने दिया, उसमें एक पॉइंट ये था कि पिछले दिनों में चूंकि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं इसलिए हम टैक्स इतना जमा नहीं कर सके। अब मुझे तो इसके दो लिंकेजेस समझ नहीं आए। बात यह है कि अगर तो कीमत बढ़ती है तो आपने हमें फार्मूला तय कर दिया है उसके मुताबिक चलता रहेगा, लेकिन अगर कीमत स्टैटिक होती है कीमत का तब भी वही फार्मूला इम्प्लीकेट होना चाहिए ना। लेकिन चूंकि टैक्सेस आपके इतने ज्यादा हैं गवर्नमेंट के और उसको बनाया हुआ है, अब आप अपना बिजली का बिल उठा के देखिए, आपका बिजली का बिल 1200 रुपये अगर 1300 रुपये होगा ना तो उसके ऊपर 700 रुपये टैक्सेस होंगे, यानी टीवी की फीस का टैक्स आप दे रहे हैं, केबल आ गई है अभी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, HD टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं, HDD लाने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीविजन का DTH लाने की कोशिश कर रहे हैं, DTH के बावजूद आप टेलीविजन का जो वो बिल ले रहे हैं, नीलम जेलम बन नहीं सका पिछले इतने साल से और आगे भी नहीं बनेगा, नीलम जेलम सरदार जो है वो गरीब लोग अभी तक पूरा कर रहे हैं। वो बगैर साहब आपको एक और चीज बता दूं, वो एक और चीज बता दूं, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो इजलास हुआ है 2-3 दिन पहले, उसमें ये भी सजेशन आई है कि जो मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात हैं जो अच्छे नहीं जा रहे तो उसके लिए हमें अखराजात की ज़रूरत है, तो वो भी 3% और कुछ इंक्रीज करने जा रहे हैं डिफरेंट वो मद की शक्ल में, वो भी मेरी और आपकी जेब से निकलेगा। तो ये सारे जब आपके हमारे शाहाना खर्चे होंगे, बिल्कुल नहीं करनी, जब हमारे खर्चे शाहाना होंगे और 760 मिलियन का कि 60 मिलियन का आपका फॉरेन टूर्स का बजट होगा, आप ये देख लें उन टूर्स के बाद पाकिस्तान में कितनी जो है वो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ी है। आज आपकी रुपए की कदर गिरने का बेसिक वजह क्या है, इसलिए कि जिस तरह आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होती जा रही हैं, आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है, डॉलर रुपया नीचे आ रहा है, तो इन विजिट्स का ये तो फायदा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आए ना, नहीं आएगी तो आपको ये सरचार्ज देने पड़ेंगे। खत्म हो गया, आखिरी टॉपिक है हमारा जिसको डिस्कस करना है और हफीज मोहम्मद हफीज की बात करें, पोलिंग एक्शन पर एतराज और एतराज को हटा दिया गया, क्लियर कर दिया गया, एंगल उनकी कोहनी का 15 डिग्री के अंदर अंदर था और ये एक अच्छी खबर है। खबर साहब पाकिस्तान के क्रिकेट में इससे कोई बेहतरी आएगी? पहले सईद अजमल वाला मामला हम लोगों ने देखा था मोराल की हवाले से, आपको याद होगा जी वो सईद अजमल पे भी जब बैन लगा था तो उस टाइम वो पूरी दुनिया में टॉप बॉलर थे वनडे में भी और टेस्ट मैचेस में भी, और जब हफीज पे भी लगा था ये उस टाइम टॉप ऑलराउंडर थे पूरी दुनिया के अंदर हमारे, लेकिन उस बैन लग गया उसको पता है दो साल से अब बाहर बैठे हैं, तो हमेशा से स्क्रूटनी रही है। ये अच्छी खबर है कि वो वापस आ गए और टीम को एक हमें एक क्वालिटी ऑलराउंडर की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि वापस आके उसी तरह परफॉर्म करेंगे और टीम के अंदर वो एक जो एक लंचमैन रोल है उनका हमेशा से कि वो बॉलिंग भी करते हैं और वन डाउन या ओपनर एज ए बैट्समैन भी हैं, तो वो जो हमारी एक टीम को एक स्ट्रेंथ चाहिए एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर की, उनके वापस आने से वो दोबारा हमें मिलेगी और टीम की जो हमारी जो कामयाबियाँ हैं वो और बेहतर होंगी, बजाय इसके कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट बैठी है वो शहरयार साहब और नजम सेठी साहब, उनके तो अपने काम हैं ही हैं, लेकिन ये जो थोड़ी बहुत छोटी खुशी हैं क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ग्राउंड के अंदर पूरी दुनिया के सामने अपने आप को साबित किया हुआ है, तो लिहाजा इनका हफीज़ का वापस आना टीम के अंदर एक बड़ी अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं कि ये टीम हमारी बेहतर परफॉर्म। लेकिन ये बात यह है खबर बात यह है, इसमें सईद अजमल के ऊपर बैन लगा था, सईद अजमल वाज टॉप प्लेयर, उसके बाद वो क्लियर हो गए, लेकिन वो जब वो क्लियर हो गए तो चूंकि उनका एंगल चेंज हो गया, उनकी डिलीवरी चेंज हो गई, उनका स्टाइल चेंज हो गया, तो वो आपने देखा कि वो बहुत सारे टेस्ट मैचेस में विकेट ही नहीं ले सके, और मैं यही फोर्स ही कर रहा हूँ मैं हफीज के लिए भी कि हफीज की बैटिंग तो पहले
वो थी, अभी वो उनका एंगल चूंकि चेंज करेंगे और कॉशियस होंगे तो उनकी डिलीवरी का स्टाइल जो है वो भी चेंज होगा। फिर दूसरे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं पाइपलाइन, हफीज ने बहुत आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है, देयर इज नो डाउट, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अब साथ साथ जो है नए लोगों को भी इंडक्ट करते हुए, नई प्रैक्टिस करते हुए, नया खून जो है उसको भी सामने लाना चाहिए और चीज़ ये कोशिश करनी चाहिए कि अभी देखिए आपने दुबई में इतना सा खेला, आप लो बाउंस पिचेस पे खेलते रहे, जाए जब वहाँ गए न्यूजीलैंड में गए तो आपको परफॉर्मेंस सामने नजर आ गई। फिर भी मैं इस टीम को, आप यकीन कीजिए, मैं इन लड़कों को बड़ा क्रेडिट देता हूं जब मैं ये एनालाइज करता हूं कि ये दुनिया की बाकी टीमों के मुकाबले में कितनी क्रिकेट खेलते हैं। ऑल दी हैंडीकैप्स ऑन पाकिस्तान टीम, दे आर स्टिल नंबर सेकंड टीम इन टेस्ट मैचेस एंड दे डूइंग वेल इन वन डेज आल्सो, तो इंशाल्लाह अगर थोड़ी सी इनकी सुपरविजन, ये बहुत बड़ी बात है कि इनको इतनी दर्द है इंटरनेशनल सीरीज की, टीमें क्या करती हैं, वो चार मैचेस बाहर खेलती हैं, चार मैचेस अपने मुल्क के अंदर खेलती है जैसे इंडिया करता है, अपने मुल्क में वो टीमों को हरा देती है कि उनके सूटेबल पिचेस होती हैं तो उनकी रेटिंग बढ़ जाती है। ये टीम तो बड़े ऑड्स के खिलाफ खेल रही है कि ये खेलती बाहर जाके है, अपने मुल्क में नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इस तरह का एक्सपोजर नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं इनको वी मस्ट गेट क्रेडिट टू देम कि अगेंस्ट ऑल हैंडीकैप, उसके अलावा प्रोपेगेंडा भी इनके खिलाफ आप देख ले दुनिया में क्या होता है कि जी क्या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी वो पिछले दिनों विराट कोहली ने उसका टेलीविजन पर दिखाया गया कि उसने बॉल को खाया है, आईसीसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, वो फेवरेट पुलिस वो जो अपना ऑस्ट्रेलिया के साउथ अफ्रीका का वो पैसे इंडिया से, यही मेरा बात है ना सर, जो ये जो कहता है ना कि इंडिया के मार्केट इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जी जी नहीं इंडिया में वो मार्केट इकोनॉमी नहीं, इंडिया के अंदर बैटिंग बहुत बड़ी है, इंडिया के अंदर अंडरग्राउंड माफिया बहुत बड़ी है, वहाँ पे बहुत जुआ बहुत बड़ा है और वो जुआ जो है ना वो जुआ इन्फ्लुएंस कर रहा है आईसीसी को, सारे आईसीसी के अंदर जितने लिंकेज हैं। शो का वक्त खत्म हो गया, शो का वक्त खत्म हो गया, ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, खबर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, शो से इतना हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है, अपना बहुत ख्याल रखे, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिए, अल्लाह हाफिज़।